अभी हम बना रहे हैं गाइस पोहा। पोहा बहुत से लोग इसको ना चावल का चूरा भी बोलते हैं। जैसे इसके अंदर मैं डालती हूँ मूंगफली, प्याज और हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल धुल के रख लिया है। ठीक है, मैं ना गाइस थोड़ा सा ना अलग स्टाइल से बनाती हूँ पोहा। मैं क्या करती हूँ, इसको ना हल्का सा एक बार पानी में वॉश कर लेती हूँ, और यहाँ पे हमारी मूंगफली के दाने, प्याज और हरी मिर्च को मैं भून रही हूँ। जब ये भुन जाएंगे तब मैं इसमें ये वाला पोहा डाल के और फिर इसमें मसाला वगैरह डालूंगी, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह। मैं उस तरीके से बनाती हूँ पोहा। सिलेंडर खत्म होने पे ना गैस बहुत ज्यादा सच में दिक्कत हो रही है। हमारा सिलेंडर भी खत्म हो गया, हमारा फ्रिज भी खराब हो गया, हमारे दिन ही खराब है इस टाइम पे। हमारा सब कुछ खराब होता जा रहा है गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। देखो फ्रिज को भी अभी मैंने इसलिए बंद इसलिए खोला है ताकि थोड़ा सा मतलब इसका जो भपका होगा ना अंदर का वो निकल जाएगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब बंद की वजह से भपक जाता तो सब्जी भी खराब हो जाती है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि हल्दी पाउडर का जो स्वाद है ना वो कच्चा ना आए, हल्का सा ब्राउनिश हो गई है ना जो हमारी ये जो है ये हल्की सी ब्राउनिश हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर पहले पोहा डाल देती हूँ सारा। ठीक है, देखो मैंने सारा पोहा को डाल के और मिक्स कर लिया। हल्दी डाला था इस वजह से इसके अंदर कलर आया थोड़ा सा येलोइश कलर। और अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें सारा का सारा मसाला डालूंगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या मसाला डालती हूँ। एक ना पोहा मसाला आता है स्पेशल, अगर आप लोगों को वो मिले तो वो डालोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा मतलब जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, बट अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, फिर भी अच्छा बनेगा और भून के भी अच्छा लगता है। मतलब इसको भून लेते हैं ना अगर हम लोग जैसे तेल में हल्का सा बिना वॉश करे हुए इसको भून के खाने में बहुत ही ज़्यादा वो भी टेस्टी लगता है। मेरे को दोनों ही पसंद है। ये मैंने डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर थोड़ा सा, हल्दी तो मैं डाल ही चुकी हूँ, सॉल्ट भी डाल दिया मैंने। ओके, बस ये तीन ही चीज़ें डालूँगी। अब मैं इसको ज़रा मिक्सअप कर लेती हूँ। स्टैंड मेरा यहाँ पे रखा है तो मैं इसको ना लगा नहीं रही हूँ क्योंकि हीट की वजह से कहीं ये हो ना जाए कुछ इस वजह से, इसलिए हाथ से ही मैं शूट कर रही हूँ इसको। मिक्सअप कर लिया गाइस मैंने इसको, अब इसको थोड़ी देर भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। चाय भी बन के रेडी है और पोहा भी बन के रेडी है। सो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं पालक आलू और मटर की सब्जी, क्योंकि मटर भी ना रखी हुई थी और फ्रीज ख़राब है तो इस वजह से ना काफ़ी मतलब सब्जियां जो है वो जल्दी जल्दी ख़राब हो रही, तो मैंने मटर भी इसी में मिक्स कर दी ताकि बन जाए। सोचा तो ये था कि पालक की पकौड़ी बना के कढ़ी बनाऊंगी, बट ये ज़्यादा ख़राब हो रही थी जो जो यार क्या है यार ये, हाँ जो पालक है ना वो ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं ये दिन तक भी नहीं चल पाएगी। तो कढ़ी बनाती तो थोड़े टाइम बाद में बनाती क्योंकि अभी लस्सी वाले नहीं आए थे, तो मैंने कहा छोड़ो यार कभी और बना लेंगे वो पकौड़ी पालक की पकौड़ी वाली कढ़ी, तो अभी यही बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने पालक आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है वगैरह डाल के चला दिया। अब इसको ढक देती हूँ, पानी नहीं डालूंगी मैं इसमें बिल्कुल भी क्योंकि पालक में ना ऑलरेडी पानी होता है। मुझे सूखी सूखी भुजिया टाइप की बनानी है तो इसको ढक देती हूँ, बीच बीच में खोल खोल के देखती रहूंगी। आज पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठ करके आलू गला रही हूँ और आलू नहीं गल रहे, इसके ऊपर देखो पालक आलू की सब्जी बनाई है और अब जाके शायद से गल पाए हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी देर से गला रही हूँ यार, अब जा करके गले हैं, जितने में गले उतने में तो सारे के सारे एकदम वैसे हो गए अजीब से ही।
बन के हो गई है रेडी और मैंने हीटर को कर दिया अभी बंद। बड़े 1 घंटे को मशक्कत के बाद में सब्जी रेडी हुई है मेरी। अभी ना हम लोग बैठे हुए थे तो ना आर्यन ना रील्स देख रहे थे, तो पता है क्या हुआ गाइस, अब ये ना रील्स देख रहे हैं तो मतलब अब जैसे आज ना हमारी थोड़ी सी ना लव टाइप की बातें हो रही थी, तो आज पता नहीं क्या हो रहा है कि आज रील्स भी ना उसी के रिगार्डिंग चल रही है। जैसे इंसान का माइंड सेट है ना बिल्कुल सेम वैसे ही, तो मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है। मैं अभी आर्यन को यही बात बोल रही थी कि नहीं, आर्यन मुझे बोल रहे थे कि आज क्या हो रहा है, आज वाइफ वाली सारी की सारी रील्स क्यों आ रही है। मैंने कहा इंस्टा भी ना रील्स को पकड़ता है, मतलब क्या बोल रही हूँ, मेरा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आवाज़ कम करो थोड़ी सी। तो मैं आर्यन को बोल रही थी कि तुमको पता है इंस्टा भी ना माइंड को ना पकड़ता है कि मतलब हमारा माइंड क्या चाहता है। मोस्टली मेरे साथ गए ऐसा होता है, मान लो मेरा माइंड अगर सैड है ना, होता है ना, मान लो हमारा माइंड सैड है, तो क्या होता है ना सडनली अचानक से ना सैड रील्स चलने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं रो रही थी वही टेंशन लाइफ की कि क्या हो रहा है, क्योंकि न्यू ईयर से हमारी लाइफ की तो भाई बैंड बजी पड़ी है ढंग की वाली एकदम, कभी सिलेंडर ख़त्म, कभी फ्रीज की गैस उड़ गई, कभी कुछ उड़ गया, कभी कुछ उड़ गया, जॉब का कुछ पता नहीं चल रहा, तो दिमाग की ना एकदम दही हो रखी है। तो वही मैं रील्स देख रही थी, मेरे को रोना आ रहा था क्योंकि यार इंस्टाग्राम कहता है ना और रो ले और रो, है ना, पेज फेंक फेंक के मारता है, ये ले और रो, ये वाली रील से रोना नहीं आया, और बड़ी वाली रील ले और रो। तो एकदम सैड सैड रील्स चल रही थी और अभी आर्यन देख रहे हैं। फिर उसके बाद आर्यन ने मेरे से बात बात करी, हमने एक दूसरे को थोड़ी सी तसल्ली दी, क्योंकि होता है ना कि जब दो दो इंसान साथ में होते हैं ना, कुछ भी हो अगर हमारे साथ हमारा लव होता है ना, तो हम हर चीज़ से फाइट करने की हमारे पास में स्ट्रेंथ रहती है। तो वही हम एक दूसरे से बातें करके हमने अपना थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ठीक करा, और अभी देख रहे हैं तो वही वाइफ वाली रील्स आ रही है। तो मैंने कहा एक बार ना मैं इसको ब्लॉग के क्लिप में ऐड करती हूँ कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग मान लो सैड हो तो आपके इंस्टा पेज पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर सैड रील्स आ रही है, और फनी मूड में हो तो फिर फनी रील्स आ रही है। तो गाइस मैं खा रही हूँ अभी खाना, उसी की तरह बोलेगा कि तो आज फिर ऐसा कर रहा है, और ये भी खा रहे हैं, खा लूंगा तू खा तो सही। ये ना काफी देर से बोल रहे थे कि सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, बट सही में अच्छी लग रही है गाइस। और इसी के साथ में हमारे आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आप लोगों ने क्या डिनर करा कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार प्लीज़। आप लोग अगर व्लॉग देखते हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके एक सब्सक्राइब से ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, प्लीज़ यार प्लीज़ कर दिया करो। ओके गाइस बाय बाय। मैं डेली 4 PM पे लाइव आती हूँ अब यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो चुका है, तो जो भी अभी मेरे व्लॉग को देखेंगे तो प्लीज़ यार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। डेली 4 बजे मैं आती हूँ बट कोई ज्वाइन नहीं करता, तो इस वजह से फिर मैं 5-10 मिनट रह के फिर मैं उसको एंड कर देती हूँ, बट अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो फिर हम बहुत सारी गॉसिप्स भी करेंगे। ओके तो फिर आप करेक्ट 4 बजे देखना, अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करोगे तो फिर मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में लाइव की पहुँच जाएगी, तो फिर प्लीज़ यार बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके।